साइक्लोन मिचोंग का असर चौतरफा देखने को मिल रहा है। साउथ इंडिया के कई राज्यों में तबाही मच गई है। हालातों को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने करीब 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं हैदराबाद से दक्षिण जाने वाली भी सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सिकंदराबाद, नामपल्ली और कांचीगुड़ा में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से निगरानी की जा रही है। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी तक तूफान में 8 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, जबकि राहत और बचाव की लगी टीमों ने 300 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं रेल यातायात के साथ हवाई सफर भी काफी प्रभावित हो रहा है। इस तूफान के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बीते सोमवार को 33 उड़ानें चेन्नई से केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से डाइवर्ट कर दी गईं। KIA का संचालन करने वाली बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो, स्पाइसजेट, एतिहाद, लुफ्थांसा और गल्फ एयर की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चेन्नई से बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे से लगभग 70 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। तिरुपति एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि खराब मौसम के कारण सोमवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसमें 14 शेड्यूल निर्धारित और एक नॉन शेड्यूल फ्लाइट शामिल थी। NDRF के अलावा कोस्ट गार्ड, आर्मी एवं नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय में रखा गया है। आपात स्थिति को देखते हुए इन्हें वहां भेज दिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।